गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर फर्स्ट राइटिंग स्किल अनदर राइटिंग स्किल टॉपिक एंड दैट इज एडवर्टीजमेंट एज यू नो बच्चा, एडवर्टीजमेंट इज़ इट्स अ मैसेज कैरिड इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ मीडिया एडवरटीजमेंट में हम अपने मैसेज को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से शो करते हैं इन फॉर्म ऑफ मीडिया ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने कोई भी हमें अपना मैसेज स्प्रेड करना है तो हम उसे न्यूज़पेपर में पब्लिश कर सकते हैं मैगज़ीन्स में दे सकते हैं रेडियो एंड टेलीविज़न आर एन अन सोर्स ऑफ एडवर्टीज़मेंट जिसमें हम अपनी एडवर्टीज़मेंट को पब्लिश कर सकें अपना मैसेज कन्वे कर सकें अलग अलग तरीकों से वो होता है एडवर्टीज़मेंट ना नेक्स्ट कम टू वट द पर्पज़ इसका पर्पज़ क्या है और हम क्यों वैसे नॉर्मली नहीं कर सकते और एडवर्टीज़मेंट एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है हमारे पास तो वो इसलिए है बिकॉज एडवर्टीज़मेंट क्या कर सकता है एक साथ में लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है हम बहुत सारे लोगों को बल्क में लोगों को एक साथ अट्रैक्ट कर सकते हैं टू बाय द प्रोडक्ट जो भी हमारा प्रोडक्ट है या जो भी हम उन्हें सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं उस चीज़ के रिगार्डिंग हम उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं हम अपने कंज्यूमर्स को अपनी एडवर्टीजमेंट के थ्रू बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर सकते हैं सो so, अभी तक हमने पहले चीज़ें फर्स्ट चीज़ हमने ये पढ़ी कि वत इज़ एडवर्टीज़मेंट एडवर्टीज़मेंट है क्या देन सेकेंड थिंग इसका पर्पस क्या है ये क्यों हमने हम इसे यूज़ करना चाहिए इसका बेनिफिट हमारे पास क्या क्या आ सकता है थर्ड हमारे पास आता है आर द टाइप्स ऑफ एडवर्टीज़मेंट एडवर्टीज़मेंट के टाइप क्या क्या हैं एडवर्टीज़मेंट कितने प्रकार की हो सकती है सो बेसिकली एडवर्टीज़मेंट आर ऑफ टू टाइप एडवर्टीज़मेंट दो तरह की होती हैं फर्स्ट इज़ क्लासिफाइड एंड सेकेंड इज़ डिस्प्लेड और कमर्शियल क्लासिफाइड आप लोगों तो ने न्यूज़पेपर देखा होगा तो न्यूज़पेपर में एक क्लासिफाइड कॉलम करके आता है उसमें हम अपनी कोई भी एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं और एक होता है डिस्प्ले या बड़े लेवल पे कमर्शियल लेवल पे डिस्प्ले लेवल पे एडवर्टीजमेंट uh, आना दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है इसमें जो चार्जेस होते हैं वो वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग लगते हैं ठीक है आपके पास वर्ड लिमिट होती है आपको लिमिटेड सेट ऑफ वर्ड्स में अपनी एडवर्टीजमेंट को डिज़ाइन करना होगा क्लासिफाइड कॉलम में ठीक है कोई डिज़ाइन नहीं होगा कोई आपको ब्लॉक्स नहीं दिए जाएंगे कोई आप एट्रैक्टिव थिंग्स यूज नहीं कर सकते हो उसमें ठीक है पर वर्ड आपको चार्ज लगता है ठीक है वर्ड के अकॉर्डिंग या वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग आपका न्यूज़पेपर वाले चार्ज लगते हैं आप अपनी वर्ड लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते जैसे ही आप अपनी वर्ड लिमिट को क्रॉस करोगे इट इज़ कंसीडर्ड इन अ डिस्प्ले और कमर्शियल एडवर्टीजमेंट अभी जो नॉर्मल पीपल होते हैं जो रे रेंट के लिए या मैरिज के लिए मैट्रीमोनियल साइट के लिए या फिर बहुत सारे सेल परचेस के लिए और एस्ट्रोलॉजर्स ऑल्सो बहुत सारे जो लोग होते हैं वो क्लासिफाइड कॉलम्स में अपनी एड को एडवर्टीज़मेंट को पब्लिश कराते हैं बट जो अगर कोई बड़े हाउसेस होते हैं यू कैन से बिग ज्वेलरी हाउसेस बहुत बड़े, बड़े बड़े लोग जो जिनके पास बहुत अच्छे पैसे हैं तो वो अपनी एडवर्टीज़मेंट के लिए प्रॉपर डिस्प्ले और या यू कैन से कमर्शियल एडवर्टीज़मेंट यूज़ करते हैं ये क्या होता है न्यूज़पेपर का एक पूरा पेज या पूरा आ, एक प्रॉपर प्र, प्र, पूरा सेक्शन उस पर्टिकुलर सिंगल एडवर्टीजमेंट के लिए दिया जाता है कोई वर्ड लिमिट नहीं होती स्पेशल प्लेज और स्पेशल प्लेस इज देयर फॉर द एडवर्टीज़मेंट आप उसमें अपने बड़े बड़े अट्रैक्टिव डिज़ाइंस यूज़ कर सकते हैं उसके ब्लॉक्स um, यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ थिंग्स यू कैन यूज़ इन डिस्प्ले और यू कैन से कमर्शियल एडवर्टीजमेंट इसके चार्जेस ऑफ़ ऑफकॉर्स ज़्यादा होते हैं ठीक है इसके पैसे भी ज़्यादा लगते हैं अभी इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट एडवर्टीज़मेंट होता क्या है सेकेंड इसका पर्पस क्या है थर्ड टाइप्स ऑफ एडवर्टीज़मेंट कैसी कैसी होती हैं ओके नाउ लेट्स डिस्कस विद द क्लासीफाइड सेक्शन अभी हमने पढ़ा था दो टाइप के होते हैं फर्स्ट इज़ क्लासिफाइड सेक्शन एंड सेकेंड इज डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट सो क्लासिफाइड जो सेक्शन होता है उसमें वैरायटी आती है फर्स्ट आती है हमारे पास सिचुएशन वेकेंट और वांटेड कि अगर आपके पास कोई प्लेस खाली है या आपको कोई जॉब चाहिए है उसके रिगार्डिंग जॉब चाहिए है जॉब देनी है ठीक है दोनों के रिगार्डिंग फेकेंट वांटेड ये सारी चीज़ें आ जाएंगी सेल परचेज अगर आपको कोई आइटम सेल करनी है या आपको परचेज करनी है उसके रिगार्डिंग आप क्लासिफाइड सेक्शन में आप अपना डाल सकते हो एजुकेशनल और ट्यूशन से रिलेटेड आप अपनी डाल सकते हो कि हाँ आ, आप एलेवेंथ ट्वेल्थ की कॉम या ट्यूशन्स अवेलेबल हैं आप ये सारी चीज़ें किसी भी <coughs> न्यूज़पेपर के कॉलम में बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो देन अकाउंटेंसी और कंसल्टेंसी से रिलेटेड भी आपको इसमें मिल जाएंगी ठीक है अकाउंटेंसी और कंसल्टेंसी से रिलेटेड भी आप क्लासिफाइड सेक्शन में ही आ, उसी के अंडर आती हैं स्टॉक एक्सचेंज इज़ अनदर पार्ट ऑफ क्लासिफाइड सेक्शन एडवर्टीजमेंट बुक्स के रिगार्डिंग भी उसमें होता है एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर के रिगार्डिंग भी हमारे पास इसी सेक्शन में ही आता है ठीक है तो क्लासिफाइड सेक्शन में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से आती हैं देन इम्पॉर्टेंट टिप्स आ देर सम इम्पॉर्टेंट टिप्स आ देर फर्स्ट टिप्स इज दिस दैट शॉर्ट फ्रेजिज एंड वर्ड्स हमको क्या करना है शॉर्ट फ्रेज़ और वर्ड्स को यूज़ करना है जब भी हम एडवर्टीज़मेंट को लिखेंगे हम अपनी एडवर्टीज़मेंट को ड्राफ्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम कोई भी छोटे छोटे फ्रेजेस का और वर्ड्स का यूज़ करेंगे ठीक है सिंपल होना चाहिए टू द पॉइंट होना चाहिए यस yes, हमारी जो सेकेंड uh, पॉइंट है इसमें वो ये है कि हमारा सबसे पहले तो हम शॉर्ट फ्रेजेस और वर्ड्स को यूज़ करेंगे देन हमारी लैंग्वेज टू द पॉइंट हो, सिंपल हो आर्टिस्टिक से यहाँ पे ये मतलब है कि आपके जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है आप जो वर्ड्स यूज़ करें वो काफ़ी अच्छा हो जो सामने वाले के दिमाग पर पढ़ने वाले के दिमाग पर काफ़ी अच्छा इम्प्रेशन छोड़ सके ठीक है आपकी लैंग्वेज इम्प्रूवड uh, होनी चाहिए आर्टिस्टिक से यहाँ पे सिर्फ एक मतलब है कि आप सिलेक्शन ऑफ वर्ड अच्छा करें सपोज़ आपने कहीं पे ब्यूटीफुल लिखना है तो वहाँ ब्यूटीफुल की जगह आप गॉर्जियस लिख सकते हो मार्वलिस लिख सकते हो तो अपने वर्ड्स का ध्यान रखते हुए वर्ड्स को चुनते हुए लैंग्वेज को ब्यूटिफाई करते हुए हमें एडवर्टीजमेंट को डिज़ाइन करना है अगर आपको स्पेलिंग्स नहीं आती हैं मिस्टेक्स करने की बजाय सिंपल रख देना है बट इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट द स्पेलिंग एंड द थिंग तो आप उसमें श्योर अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा आर्टिस्टिकली डिज़ाइन करें द नेक्स्ट इज आपको अपनी डिटेल्स देनी है कि कौन कहाँ पर है क्या है नेसेसरी डिटेल देनी है रिगार्डिंग द थिंग्स ऑल्सो जो भी आप बेच रहे हैं सेल कर रहे हैं कोई आप वेकेंट है अक, अकाउंटेंसी की है कंसल्टेंसी की है कहीं की भी है तो आप उसके रिगार्डिंग अपनी प्रॉपर पूरी डिटेल देंगे चीज़ों को सेग्रीगेट करने के लिए कोमा यूज़ करेंगे प्रॉपर प्लेसेस पर कि जहाँ पर भी आपको कोमा यूज़ करनी है प्रॉपर पंचुएशन मार्क्स यूज़ करेंगे सो so दैट सामने वाला बहुत इजीली उस चीज को अंडरस्टैंड कर पाए ठीक है कैटेगरी शुड बी मेंशनड वेरी क्लियरली ऑन द टॉप आप जिस भी कैटेगरी में इसको लिख रहे हैं वो बहुत क्लियरली मेंशन होनी चाहिए टॉप पर ठीक है कि आप कौन सी कैटेगरी से रिगार्डिंग है फॉर एग्जांपल अगर आप सेल परचेज़ की लिख रहे हो तो ऊपर सेल परचेज लिखेंगे अगर आप सिचुएशन वेकेंट और वांटेड की लिख रहे हो तो ऊपर आपको ये लिखना है अगर आप स्टॉक एक्सचेंज के लिख रहे हो तो आपको स्टॉक एक्सचेंज लिखना है तो वट योर कैटेगरी इज़ आपको वो मेंशन करनी है ऑन द टॉप लास्ट में आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर एड्रेस और आपका नाम ज़रूर देना है बिकॉज सामने वाला आपसे तभी कॉन्टेक्ट कर पाएगा वेन एवर वेन यू आर आर राइटिंग योर नेम एंड योर एड्रेस एंड योर कॉन्टेक्ट नंबर लास्टली यू हैव टू पुट ऑल द मैटर इन अ बॉक्स ओके जो भी आपने सेलेक्ट किया है जो भी आपने लिखा है उसको एक बॉक्स में बंद करना है दिस दीज आर सम इम्पॉर्टेंट टिप्स टू डिज़ाइन द एडवर्टीजमेंट इन अ प्रॉपर मैनर ठीक है इसी तरीके से आप किसी भी एडवर्टीजमेंट को डिज़ाइन कर सकते हैं हमने अभी तक क्या पढ़ा वट इज़ एडवर्टीजमेंट वट द पर्पज ऑफ इट एंड द टू टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट क्लासिफ क्लासीफाइड सेक्शन एंड देन इम्पॉर्टेंट टिप्स ठीक है अभी देखो फर्स्ट आज हम इसको एक ही करके देखते हैं दैट इज़ सेल एंड परचेज सेल एंड परचेज क्या होता है सेल एंड परचेज कि आप कोई भी चीज़ को खरीदना या बेचना चाह रहे हैं तो वेनएवर वी आर राइटिंग सेल एंड परचेज एडवर्टीजमेंट तो हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है फर्स्ट हमें उसका प्राइज़ और उसकी लोकेशन को प्रॉपरली मैंशन करना है कि कोई भी चीज़ है वो प्रॉपर्टी है सपोज़ हमारी हम कोई फ्लैट सेल करना चाह रहे हैं कहाँ है उसका प्राइस क्या है उसकी लोकेशन क्या है ओके देन हम उसके साथ कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं क्या क्या हमारी कंडीशन उसके साथ रहने वाली हैं देन हमारा एड्रेस और फोन नंबर कोर्स होगा तभी कोई हमें कांटेक्ट करेगा अगर कोई व्हीकल से रिलेटेड आपका आप बेच रहे हैं तो उसका मॉडल नंबर होना चाहिए उसका कलर होना चाहिए उसकी एक्सेसरीज होनी चाहिए और उसका एक्सपेक्टेड प्राइस भी होना चाहिए ओनली देन यू आर एबल टू सेल द थिंग्स सो नाउ लेट्स डिस्कस दिस एग्जांपल। योर पर्पस टू सेल योर सेल योर फ्लैट एज यू आर गोइंग एब्रॉड सो इन दिस एडवर्टीजमेंट आप अपना ना एब्रॉड जा रहे हो और आप अपनी uh, सेल करना चाहते हैं ठीक है यू वॉन्ट टू सेल योर फ्लैट सो ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट फॉर टू बी पब्लिश इन टाइम्स ऑफ इंडिया अंडर द क्लासीफाइड कॉलम कि आपको एडवर्टीजमेंट को डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले किस चीज़ के लिए आप सेल करना चाह रहे हो तो फ्लैट फॉर सेल बेचने के लिए है देन आपने लिखा ब्यूटिफुली फर्निश्ड फ्लैट आपका फ्लैट फर्निश्ड है ब्यूटीफुल uh, uh, है कहाँ है ग्राउंड फ्लोर पे है हमने लोकेशन मेंशन कर दी उसकी ठीक है अब उसके बारे में डिटेल्स डालेंगे हैविंग टू बेडरूम्स अ किचन डाइनिंग रूम सिटिंग रूम लॉबी एंड स्पेस फॉर कार पार्किंग ये हमने उसको क्लासिफाई कर दिया कि उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं ठीक है अभी लिखा इज अवेलेबल फॉर सेल ये अवेलेबल है कहाँ है इन द सिविल लाइन एरिया किस सिविल लाइन एरिया में है ऑफ द टाउन टाउन के शहर के सिविल लाइन एरिया में है द ऑनर इज गिवइंग अब्रॉड शॉर्टली आप क्यों बेच रहे हैं बिकॉज द ऑनर इज गोइंग एब्रॉड शॉर्टली क्योंकि हम एब्रॉड जा रहे हैं रीजन इज देअर इन द क्वेश्चन ऑल्सो सो लास्टली हमने क्या लिखना है सिर्फ इंटरेस्टेड पार्टीज आर रिक्वेस्ट टू कॉन्टेक्ट ऑन दिस दिस नंबर ठीक है दिस इज़ द वे टू डिज़ाइन द एडवर्टीजमेंट आई होप आपको समझ आया होगा इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी